सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बार क्या होता है कि हमारे अनाज से टूट जाते हैं, अच्छे से नहीं बनते हैं, ऑयल पी जाते हैं, जाली नहीं पड़ती। तो आपके सारे प्रॉब्लम का सलूशन मैं लेकर आई हूँ। तो आपको वीडियो को आखिर तक पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बीच बीच में मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, वही आपको फॉलो करने हैं। अगर आप वीडियो स्किप कर दोगे तो वो सारे मिस हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पूरा वीडियो आपको फुल वॉच करना है, तभी आप समझ पाओगे किस तरह से टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको ये अनाज से बनाने हैं। और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का जो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर मैंने कंट्रोल के चावल ले लिए। आप चाहो तो कोई भी चावल ले सकते हैं, आपको चाहे जो चावल अवेलेबल होगी वो आप ले लीजिए। दो दिन तक हमने उसे पानी पर भिगो के रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जा रही हूँ, वही स्टेप्स आपको पूरी फॉलो करनी है। दो दिन तक हमें इसे ढक देना है और दो दिन तक हमें इसे पानी में भिगो कर रखना है। अभी बारी आ जाती है थर्ड डे को। अभी थर्ड डे आ चुका है और थर्ड डे को मैं आपको ये दिखा रही हूँ, इसके अंदर का जो पानी है वो पानी हमें स्ट्रेन कर देना है। स्ट्रेनर पर रख के उसके अंदर का जो पानी है वो पूरा पानी हमें निकाल देना है। इसी तरह पे छन्नी के रख कर पानी पूरा स्ट्रेन कर देना है। और मैंने एक किचन टॉवल ले लिया है, किचन टॉवल पर हमने इसे स्प्रेड कर देना है पूरा पूरे चावल। और पूरे चावल को हमने कड़ी धूप में या फिर छाँव में अच्छे से सुखा देना। छाँव में सुखाओगे तो आपको इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा और धूप में आप इसे सुखाओगे तो जल्दी से सूख कर तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट डे दिखा रही हूँ, फोर्थ डे दिखा रही हूँ। फोर्थ डे हमारे जो चावल है अच्छे से सूख चुके थे, अभी हमें इसे ग्राइंड करना है। मैंने ग्राइंडर में दो इलायची और चावल डाल दिए हैं। अभी हमें इसे अच्छे से पीस लेना है मिक्सी में और हमें इसे बारीक छन्नी में छान देना है। जब आटा बारीक निकल जाएगा और छन्नी में दरदरा से चावल बच जाएंगे, उसे हमें फिर से मिक्सी में डाल के ग्राइंड करना है, फिर से हमें छानना है। फिर से जो बारीक आटा गिरेगा और उसके अंदर जो दरदरा सा रह जाएगा उसे हमें फिर से पीसना है। ऐसे करते रहना है जब तक चावल ख़त्म ना हो जाए। और यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने दो कटोरी भरकर ये ले लिया है चावल का आटा, उसको मैंने डेढ़ कटोरी भरकर पीटी शक्कर ले लिए है। और इसके अंदर हमने डाल दी है तिल। तिल डालने से ना बहुत ही अच्छे से हमारी जब फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद तिल बहुत ही अच्छे से खूबसूरत से दिखेगी, इसलिए तिल डालना बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और इसे हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक डव लगा लेना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। बहुत ज़्यादा पानी आप डाल दोगे तो हमारा जो डव है वो बिखरने लग जाएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर शक्कर डाली हुई रहती है और चावल से हमारा जो आटा है बिखरने लग जाता है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, इसी तरह से हमें आटा लगा देना है। अभी हमने एक एयर टाइट कंटेनर ले लिया है, एयर टाइट कंटेनर में हमें इसे डाल देना है और इसे हमें अच्छे से दो दिन तक हमें इसे ऐसे ही रह देना है। जिस टाइम पर आप इसे ढक कर रखोगे उसी टाइम पर आपको ये नेक्स्ट डे तक भिगो इसी तरह से छोड़ देना है। और हमें मैं आपको ये दिखा रही हूँ नेक्स्ट डे पर, फिफ्थ डे में आपको ये दिखा रही हूँ। और एक यहाँ पर एक मैंने बनाना ले लिया है, ये बहुत ही सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है। ये बनाना मैंने स्मैशर से अच्छे से स्मैश कर दिया है। अभी हमने आटा ले लिया है, आटे में हमें ये जो बनाना है पूरा अच्छे से मिक्स कर देना है। ये जो हमने इसके अंदर केला डाला है, केला डालने से क्या होता है ना कि हमारा जो अनाज से है बहुत ही अच्छे से खस्ता कुरकुरे बनते हैं। और यहाँ पर हमने डव अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी मैंने ना एक पॉलीथीन ले ली है, इसी तरह से हमें छोटा सा गोला तैयार करना है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं बोलने हैं, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं बोलने हैं इसी तरह से। और आप देख रहे हो जैसे ही हम थपथपा रहे हैं ना, इसका शेप और साइज़ बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहे, अच्छे से सर्कल शेप में आ रहे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, आपको पॉलीथीन के ऊपर ही इसे थपथपाना है। अगर आप हाथों पे थपथपाओगे तो इस ये हाथों पे चिपक जाएगा और इसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। अभी किस तरह से हमें डीप फ्राई करने हैं, तो ये मैंने ऑयल अच्छे से गर्म कर दिया है। गर्म ऑयल में हमें हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करने हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपको इसे धीमी आँच पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करने हैं। धीमी आँच पर आप इसे फ्राई करोगे या फिर मीडियम फ्लेम रखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा कड़क हो जाएगा, खाते टाइम बहुत ही कड़क लगेंगे। और अगर आप हाई फ्लेम पर करोगे तो ये बहुत ही खस्ता कुरकुरे और बहुत ही अच्छे से जाली पड़ेगी। और यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे जो अनाज है बहुत ही खस्ता कुरकुरे, बहुत ही अच्छे से कलर आ चुका है।
इसी तरह से हमें सारे अनासे फ्राई कर देने हैं। तो ये थी हमारी आज की सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक। तो आप अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो सब्सक्रिप्शन टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई भी आपको पैसे नहीं लगने वाले हैं। वीडियो को लाइक करने के लिए भी आपको कोई पैसे नहीं लगने वाले। लाइक सब्सक्रिप्शन टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कमेंट करके बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसे लगा, आप कौन से नए और वीडियो देखना पसंद करोगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी जो फैमिली है और आगे बढ़े, और मुझे बताया कीजिएगा आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है देखना। तो बस आज का वीडियो यही तक था, फिर मिलेंगे और नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ख़ास करके खाते रहिएगा। बाय बाय।